दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, पर हमारा शरीर हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसा संकेत या इशारा करता रहता है जिससे हम ये जान सके कि हमें किसी तरह की कोई अंदरूनी बीमारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे ही शरीर के कुछ 5 लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी अंदरूनी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1, बॉर्ज लाइन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाखून में सफेद सफेद पतली धारियां बनी रहती हैं, या फिर इस तरह की कई धारियां बनी होती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हाथ किसी गाड़ी के दरवाजे में फंस गए हों। पर दोस्तों, नाखून पर ये धारियां अपने आप ही नहीं आती और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाखून में इस तरह की धारियों के पड़ने का मतलब है कि आपको डायबिटीज की बीमारी है या फिर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। नंबर 2, येल्लो आईज। दोस्तों, हमने कई बार कुछ लोगों को देखा है जिनकी आंखें पीली हो जाती हैं। इस तरह आंखों का पीला होना ये बताता है कि हमारे लीवर में कोई खराबी है। दरअसल दोस्तों, हीमोग्लोबिन वो पदार्थ है जो खून के जरिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जब ये टूटता है तो इसमें से एक पीला पदार्थ निकलता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। ये पदार्थ खून के साथ साथ लीवर तक पहुंचता है, जिसके बाद लीवर इस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है, और यही कारण है कि जब लीवर सही से काम नहीं करता तो ये पीला पदार्थ खून के साथ साथ पूरे शरीर में फैल जाता है। और दोस्तों, आंखों का पीला होना वो पहला लक्षण है जो लीवर के खराब होने का संकेत देता है, और किसी किसी केस में तो पूरा शरीर ही पीला हो जाता है। नंबर 3, कॉर्नियल एडिमा। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रेनबोज देखना पसंद है, पर अगर किसी भी रोशनी को देखते वक्त आपको रेनबोज दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों को जांच की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह हर रोशनी को देखते वक्त रेनबोज दिखने का मतलब है कि आपकी आंखों की कॉर्निया सूज गई है, और आंखों में फ्लूइड्स के आने को कॉर्नियल एडिमा कहते हैं। ये डिहाइड्रेशन या फिर बहुत सारी दवाइयों को खाने का नतीजा होता है। नंबर 4, अल्सर। दोस्तों, हम सभी को पूरी जिंदगी में एक बार तो मुंह में छाला होता ही है, पर कभी कभी ये छाले किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, मुंह में बार बार छाले होने का मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में कोई दिक्कत है या फिर आपको क्रॉन नामक बीमारी है। दोस्तों, इस बीमारी में पाचन नाल में जगह जगह सूजन आ जाती है, जिसे अगर जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं तो तुरंत अपनी जाँच करवाएं। नंबर 5, पर्पल टंग। दोस्तों, अगर आपकी जीभ बैंगनी है तो तुरंत आपको अपने हर्ट का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जीभ बैंगनी तब होता है जब आपका हर्ट सही से काम न कर रहा हो। दरअसल दोस्तों, जब हर्ट पूरे शरीर में खून का सही से संचार नहीं कर पाता तब जीभ बैंगनी हो जाती है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर ये किसी बड़ी हर्ट डिजीज का रूप ले ले। दोस्तों, इन सभी लक्षणों में से क्या आपके शरीर में भी कोई लक्षण दिखाई देता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को 500 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।